असलम क्लास टुडे वी विल है डायमेंशन एंड वट आर द एलमेंट्स ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ठीक है जिस तरह हमने बात की थी कि एग्जाम्पल ऑफ थर्स्ट एंड नीड फॉर फॉरकनीशन जिसकी तरह हमने अपने वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट किया था जो हमारे एबस्ट्रैक्ट वेरिएबल्स थे हमने उनको क्या किया था उन वेरिएबल्स को कट डाउन किया था डायमेंशन में एलिमेंट्स में No, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम डायमेंशन uh, क्या होती हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं गर्ल्स डायमेंशनस वो होती हैं जिसको हम हम थोड़ा जनरल वे में बता रहे होते हैं कि अच्छा इसकी ये डायमेंशन है जस्ट एज़ लाइक दिस इज़ अडिंग ऑफ दिस टॉपिक हम डिफरेंट हेडिंग्स का नाम हम डायमेंशन को देते हैं और आगे फर्दर एलिमेंट्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि उसके आगे फर्दर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, से हमारा जो क्वेश्चनर है वो डिपेंड कर रहा होता है कि हर क्वेश्चन को हमने कितने रिलेटेड किस रिलेटेड या किस तरीके से हमें उन को लिखना है फिर हमारे चलते ऑपरेशनलाइजेशन द मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ना उन्होंने एक डिटेल्ड अमाउंट में या डिटेल्ड तरीके से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की ऑपरेशनलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है वो बता रहे हैं कि दो तरह की डायमेंशन होती है एक होती है यूनि डायमेंशनल और एक होती है मल्टी मल्टी डायमेंशनल यूनि डायमेंशनल का मतलब है कि जिस जिस वेरिएबल की सिर्फ एक ही डायमेंशन है फर्दर आकर उसके डिफरेंट ए टू टेन एलिमेंट्स हैं ठीक क्योंकि मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ दैट एब्सट्रैक्ट वेरिएबल जिसके हमारे पास मल्टी डायमेंशनल मल्टी ड मतलब कि दो एक दो से ज़्यादा डायमेंशनस है एंड फर्दर उसके डिफरेंट फर्दर प्रोसीशन में एलिमेंट्स हैं अच्छा जी अचीवमेंट मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है मोटिवेशन का मतलब ये है कि हमें क्या चीज़ इत, इतनी मोटिवेट कर रही है जो इतने हम इतना पॉजिटिव माइंड से उस चीज़ को अचीव करने में लगे हुए हैं ठीक है इन सिंपल वर्ड्स मोटिवेशन हम ये कहते हैं दैट इज़ हाईली मोटिवेटेड और वो हर काम अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहा है वो, वो ऐसा क्या कर रहा है वो उसके डायमेंशन ऐसे कौन सी हो सकती हैं जिनको मैयर करने से हम अच्छे हम ये कहेंगे अच्छा जी इन करेक्टर्स को हम अचीवमेंट मोटिवेशन का नाम देते हैं उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया डायमेंशन को दे आर फाइव डायमेंशन ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ठीक है उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइजेशन इस तरह से किया है नंबर वन दैट दे वुड बी ड्रिवन वाई वर्क दैट इज़ दे वुड बी वर्किंग ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक इन ऑर्डर टू डिराइव द सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग अचीव्ड एंड इसका मतलब यह है कि दे आर ड्रिवन बाय द वर्क वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं वो ये नहीं देखते कि अच्छा जी बारह बज गया तो मुझे अब सोना चाहिए नो no. जब तक उनका काम कम्प्लीट एक्कम्पलिश नहीं हो जाता दे आर मोर मोर ड्रिवन बाय द वर्क दैट इज एंड देट लीड्स टू देयर दे सेटिसफेक्शन लेवल जब तक वो अपने काम सेटिसफाइड नहीं हो जाता या एक टारगेट सेट किया होता है उन्होंने कि जब ये काम कर लूँगा इट मीन्स दे आर मोटिवेटेड And or they are satisfied with the work, the, the work that they they are doing, in order to achieve their motivation. You Second one is many of them would generally be in no mood to relax and direct their attention to anything other than work related activity. Second advantage of achievement motivation is that they have no mood to relax. Who relax? people who are motivated they have no time to relax they have no time to to any other hobby they are on their work. even if they are at home they are thinking about the work that is done that is uh, that was uh, related to their office work attention related activities Third one is because they want to always to be achieving. ऑब्वियसली उनका तो गोल होता है कि मैंने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना है उसके लिए आपको मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है दैन एंड कंप्लिशिंग दे वुड प्रेफर टू वर्क ऑन देर ओन ब्रादर्स एंड विद अदर्स वो अगर काम करना चाहते हैं तो अपनी टर्म्स पे काम करना चाह रहे होते हैं अगर उन्हें कोई काम ऐसा बंदा पसंद नहीं आ रहा जो उनके साथ टीम वर्क में शामिल नहीं है जो कि लेजी है जो कि काम करने को पसंद ही नहीं करता तो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करते दे प्रेफर टू वर्क दे फिर वो अपने तौर पर काम करना पसंद करते हैं कि ये काम मैं खुद करूँगा फोर्थ डायमेंशन विद माइंड एंड हार्ट सेट एंड दे वुड रादर एंगेज इन चैलेंजिंग जॉब्स एंड ईजी यू नो दैट हम ड्रम वंस लाइक दे व्रैफर क्या चाहिए यहाँ से वहाँ तक जाना तो मैं चला जाता हूँ दे प्रेफर चैलेंजिंग जॉब्स दिए प्रेफर चैलेंजिंग माइंडस उन चैलेंजिंग चीज़ों को सॉल्व करने में वो एक महारत हासिल रखते हैं ताकि उनका हार्ट एंड माइंड एट द सेम टाइम काम करा हो और वह अपने मोटिवेट और साथ साथ वो वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड रख सकें ठीक है वो ज़्यादा चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जज करने में उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम करना पसंद करते हैं इट मीन्स अगर ये करेक्टिविटी किसी के अंदर इट मीन्स वी कैन से दे आर मोटिवेटेड और इन अदर वर्ड्स कैन से सेम दे हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ठीक वो अच्छा नेक्स्ट एक और बात बनाई दे आर नॉट टू टेक एन एक्सेसिवली चैलेंजिंग जॉब्स वो तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चैलेंजिंग जॉब्स यानी कि जी केटू सर करना है ठीक है जस्ट फॉर एग्जाम्पल के टू सर करना है ये वही कर सकता है जिसने अपना गोल ये बनाया हो वो हर चीज़ में हाँ हाँ नहीं करते हर काम में हाँ हाँ नहीं करते कि अच्छा मुझे काम करना है जो काम उन्हें लगता है वो कर सकते हैं सिर्फ वही काम वो करते हैं Last dimension of your motivation dimension is they would be yearning to know how they are progressing in their job as they go along. इसका मतलब यह है कि ऑलवेज सीक्स फीडबैक उन्हें पता उन्हें चाहिए होता है जो काम वो कर रहे हैं उनका फ़ीडबैक उन्हें मिले चाहे वो कोई छोटा सा काम करें या चाहे उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है चाहे उन्होंने कोई काम है एक्म्पलिश कर लिया उसमें फीडबैक वो हमेशा लेते हैं कि तनकीद वो तनकीद को हमेशा नेगेटिव में नहीं लेते वह तनकीद को अपने पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं जो फीडबैक उन्हें मिलता है तो वो ये चीज़ से हाईली मोटिवेट होते हैं ठीक है दैट इज़ दे वुड लाइक टू गेट फ्रीकुंट फीडबैक इन डायरेक्ट एंड सब्टल वेज़ फ्राम देयर सुपरवाइजर्स कोलीग्स एंड ऑन ओकेजन इवन एय कोर्डीनेट्स अगर उनके कोलीग हैं या याबॉर्डीनेट्स हैं टू नो हाउ दे आर परफॉर्मिंग और प्रोग्रेसिंग कोई जानना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ कितना अच्छा आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ